हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ हेड एंड नेक एनाटॉमी। हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बीडी 84 वॉल्यूम 3 से, विच इज साइड ऑफ द नेक। और साइड ऑफ द नेक का आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दिस इज फेरिंजियल स्पेसेस। अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि फेरिंजियल स्पेसेस से मतलब क्या है। देर आर टू फेरिंजियल स्पेसेस विच एक्चुअली यू शुड बी अवेयर अबाउट। पहली का नाम है रिट्रो फेरिंजियल स्पेस और दूसरी कहलाती है लेटरल फेरिंजियल स्पेस। ये बहुत ही इजी टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बिकॉज इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस है। मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि वट एवर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम मींस बेसिकली कि क्लिनिक्स में उसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। अब अक्सर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, छोड़ देते हैं, बट लेट अस टॉक अबाउट कि वट आर फेरिंजियल स्पेसेस। दीज आर ऑब्वियसली स्पेसेस एसोसिएटेड विद फेरिंग्स, है ना, इसीलिए इसका नाम है फेरिंजियल स्पेसेस। एक का नाम है रिट्रो फेरिंजियल, जो कि फेरिंग्स के पीछे होगी, रिट्रो फेरिंजियल, और दूसरे का नाम है लेटरल फेरिंजियल, जो कि फेरिंग्स के लेटरल साइड पे होगी। चलो एक डायग्राम दिखाता हूं, उस डायग्राम पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। सो लेट अस गो टू अ डायग्राम विच इज दिस वन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज दिस। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द नेक रीजन। ओके, क्यों, कैसे मुझे पता लगा? बिकॉज द स्ट्रक्चर सीम लाइक दिस लुक्स टू मी लाइक अ सर्वाइकल वर्टिब्री एंड देन दीज आर ऑल द मसल्स ऑफ द बैक एंड हियर आई हैव द स्किन एंड देन द सुपरफिशियल फेशिया एंड देन द डीप फेशिया। सो दिस इज टिपिकल एंड हियर आई कैन सी ट्रैकिया कार्टिलेज रिंग एंड हियर आई कैन सी इसोफेगस। सो दिस इज वेरी मच टिपिकल ऑफ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ the cervical region, and there are much more things which make me identify this. Okay, for example, there is a carotid sheet there. Now if we look at this diagram and I ask you which region is the pharyngeal region basically, so that probably would be the pharyngeal region. Yahan agar esophagus hai to esophagus ke upar pharynx hogi, so that area is basically the pharyngeal area. अब इस फेरिंजियल रीजन के अराउंड, अब ये पूरा सिर्फ फेरिंजियल रीजन नहीं है, बेसिकली फेरिंग से नीचे हैं हम, क्योंकि यहाँ ट्रैकिया दिख रहा है और ये सॉफिकस दिख रहा है, और ट्रैकिया के इर्द गिर्द ये जो डीप फेशियल लेयर होती है, दैट इज द प्री ट्रैकियल फेशिया, और ये प्री ट्रैकियल फेशिया जब नीचे यहाँ आ जाता है तो दिस इज नाउ नोन एज द बको फेरिंजियल फेशिया। सो ये जो स्पेस है उसके डायरेक्ट एंटीरियर रिलेशन में ये बको फेरिंजियल फेशिया मौजूद है, यू कैन सी, और इसके पोस्टीरियर रिलेशन में यू सी दिस प्री वर्टिब्रल फेशिया। एंड सिमिलरली इफ यू सी व्हाट इज लेटरल टू द फेरिंजियल एरिया, दिस इज ऑब्वियसली द मिडलाइन, और मिडलाइन के इधर भी लेटरल एरिया होगा, मिडलाइन के इधर भी लेटरल एरिया होगा, सो फेरिंग्स के लेटरली इज अनदर स्पेस हियर। सो लेट्स कॉल दिस स्पेस नंबर 1 एंड लेट्स कॉल दिस स्पेस नंबर 2। सो स्पेस नंबर 1 इज बिकॉज इट इज बिहाइंड द फेरिंग्स, इट इज कॉल्ड रिट्रो फेरिंजियल स्पेस, make sense? And this space number 2, which is present lateral to the pharynx, is known as lateral pharyngeal space. So these are the two spaces basically, retro pharyngeal space, let me rub this and draw this one more time. So what we are talking about are two spaces which are associated with pharynx. So if this is the pharyngeal region, how do I know this is the pharyngeal region? Because there is trachea and esophagus. So esophagus ki upar continuation mein there will be pharynx, so that has to be the pharyngeal region. So pharynx ke piche posteriorly this is a space which is called retro pharyngeal, and pharynx ke lateral side pe lateral pharyngeal. Okay, ab dekho yahi yahan pe dono spaces ke naam likhe hue the jo abhi main aapko bata raha tha, retro pharyngeal space and lateral pharyngeal space. So ye concept clear ho गया कि ये स्पेसेस एक्चुअली हैं किधर। अब इन स्पेसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो रिट्रो फेरिंजियल स्पेस है, इट इज एक्चुअली अ डेड स्पेस बिहाइंड द फेरिंग्स, मैंने अभी आपको दिखाया था। इसका काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ बर्सा। कोई भी स्पेस जब बॉडी में होती है तो उसका कोई यूजुअली काम होता है। फॉर एग्जांपल हमने इंग्वाइनल कैनाल डिस्कस की थी, उसमें हमने ये बात की थी जो फीमोरल शीथ है, फीमोरल शीथ के साइड पर एक एम्प्टी स्पेस होती है ताकि वेन्स डायलेट कर सकें। सो यूजुअली स्पेसेस आर देयर टू प्रोवाइड कुशन एंड स्पेस फॉर डायलेशन ऑफ समथिंग। अब यहाँ ये जो रिट्रोफेरिंजियल स्पेस है, इसका पर्पज ये है कि जब हम खाना खाते हैं, जब बॉलस नीचे मूव करता है तो ऑब्वियसली देयर इज एक्सपेंशन ऑफ फेरिंग्स, उस एक्सपेंशन को बेयर करने के लिए आसपास थोड़ी जगह चाहिए और वो जगह प्रोवाइड होती है वाई दिस स्पेस। दिस इज वाई दिस स्पेस इज एक्चुअली प्रेजेंट इन योर बॉडी टू प्रोवाइड अ कुशन, टू प्रोवाइड एक्सपेंशन एरिया ड्यूरिंग डिग्लूटेशन, जब आप निवाला निकलते हैं, यानी बोलस फेरिंग से नीचे इसोफेगस में जाता है, उस वक्त जब फेरिंग की एक्सपेंशन होती है, सो दिस स्पेस इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं होती तो आपको पेन होता एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, अब ये बाउंड्रीज
पढ़ने में मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअली अगर आप डायग्राम सामने रखें, मैं डायग्राम पे भी दिखाता हूँ, एंटीरियरली देर इज बकोफेरिंजियल फेशिया एंड पोस्टीरियरली देर इज प्री वर्टिब्रल फेशिया, और साइड्स पर देखें क्या चीज है, कैरोटिड शीट। तो दोबारा डायग्राम पे चलते हैं और डायग्राम में ये बात समझने की और विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आई एम अगेन रबिंग एनीथिंग दैट वी ड्रू प्रीवियसली। सो दिस इज द फेरिंजियल एरिया, ये आपको मालूम है, दिस इज द ट्रैकिया, और ट्रैकिया के आगे जो लेयर है डीप फेशिया के, ऑब्वियसली दैट इज द प्री ट्रैकियल फेशिया, लेकिन ये जो फेशिया आपको नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली द बकोफेरिंजियल फेशिया। तो हम बात कर रहे हैं रिट्रोफेरिंजियल स्पेस की ना, तो ये रिट्रोफेरिंजियल स्पेस है। अब इसके एंटीरियरली देखो कौन सा फेशिया है, इसके एंटीरियरली ये वाला फेशिया है, दिस इज द एंटीरियर लेयर, और ये बकोफेरिंजियल फेशियल लेयर है, और इसके पोस्टीरियरली कौन सी फेशिया की लेयर है, दिस लेयर व्हिच इज द प्री वर्टिब्रल, और एक जगह पर आकर ये बकोफेरिंजियल और प्री वर्टिब्रल एक्चुअली देखो ऐसे मिल जाते हैं आपस में, दे फ्यूज टुगेदर, और मैं अगर ये कहूँगा जो रिट्रोफेरिंजियल स्पेस है वो मीडियल साइड पे देयर इज अ डेड लॉक, ये इस तरह से बिल्कुल डेड स्पेस है, फ्यूज हो गया है। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस के रिट्रोफेरिंजियल स्पेस ऑन द लेटरल साइड इज ओपन टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट एरियाज, यानी यहां पे जो पस है वो यहां भी जा सकता है, वो यहां भी जा सकता है, लेकिन यहां नहीं आ सकता बिकॉज इन द सेंटर दे आर यूजुअली काइंड ऑफ फ्यूज्ड। ओके, बहुत टाइट फ्यूजन नहीं होता बट स्टिल दे आर फ्यूज्ड। तो एंटीरियर लेयर समझ में आ गई, बकोफेरिंजियल, पोस्टीरियर लेयर समझ में आ गई व्हिच इज द प्री वर्टिब्रल फेशिया, किसकी एंटीरियर और किसकी पोस्टीरियर, रिट्रोफेरिंजियल स्पेस की एंटीरियर और रिट्रोफेरिंजियल स्पेस की पोस्टीरियर, ठीक है। अच्छा, लेटरल साइड पे अगर पूछूं, इसी रिट्रोफेरिंजियल स्पेस के लेटरल साइड पर क्या है, कैरोटिड शीट है। अब ये तीन मैंने आपको बाउंड्रीज बताई ना, इसकी एंटीरियर बाउंड्री बताई, पोस्टीरियर बाउंड्री बताई और लेटरल बाउंड्री बताई, यही चीज यहां वर्डिंग्स में लिखी हुई है, तो अब इसको जरा कोरिलेट करो, नाउ इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंटीरियर बाउंड्री इज द बकोफेरिंजियल फेशिया, पोस्टीरियर बाउंड्री इज द प्रीवर्टिब्रल फेशिया, और साइड्स पे क्या है, कैरोटिड शीट, ठीक है। ऊपर यानी सुपीरियरली इट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ स्कल, इंफीरियरली इट कम्युनिकेट्स विद सुपीरियर मीडियास्टिनम, इट व्हाट, रिट्रोफेरिंजियल स्पेस। इसका मतलब यह है कि अगर रिट्रोफेरिंजियल स्पेस में पस होता है सो इट कैन कम्युनिकेट टू द सुपीरियर मीडियास्टिनम, दैट्स द इंपॉर्टेंस। ओके, है क्या क्या, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ रिट्रोफेरिंजियल फेशिया, द कंटेंट्स इंक्लूड रिट्रोफेरिंजियल लिम्फ नोड्स एंड ऑब्वियसली यू नो फेरिंजियल प्लेक्सेस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड सम लूज एरुलर टिश्यू एंड सम नर्व्स। सो इट्स लाइक एनी अदर स्पेस इन योर बॉडी, सम लिम्फ नोड्स आर देयर, एंड बिकॉज लिम्फ नोड्स आर देयर देयर कैन बी एब्सेस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, और अगर ये इन्फेक्शन होता है सो द pus can drain down to the superior mediastinum because it is continuous with superior mediastinum inferiorly. So that's the importance of retropharyngeal space. Clinically, pus collection due to lymph node. Because lymph node maujood hai is space mein. Now lymph nodes are not sitting there without any purpose. They are here to drain something. Aur agar is draining lymph node mein infection pahunch gaya, pus ho gayi, to baba ye pus jo hai, it can go to here and there and here and there and superior mediastinum and whatnot. Okay? So that's the clinical relevance of retropharyngeal space. Okay, now ek important point yahan pe likha hua hai ki pus in the retropharyngeal space should be differentiated from the cold abscess of spine of cervical vertebrae which is seen in the median plane. Is baat ko samjho yaar, ye baat kar rahe hain CT scan ki ki agar aapko radiology par go back to this diagram, ab ye jo region hai na cervical region, isme सर्वाइकल वर्टिब्री की ट्यूबरक्लोसिस भी होती है। अब वो जो ट्यूबरक्लोसिस होगी, मुझे बताओ सर्वाइकल वर्टिब्री किधर है, इट्स इन द मीडियन प्लेन, इट्स इन द मीडियन प्लेन, लेकिन रिट्रोफेरिंजियल स्पेस किधर है, इट इज स्लाइटली लेटरल, इट इज स्लाइटली लेटरल। तो अगर स्कैन्स पे आपको पस लेटरल टू द मिड लाइन दिख रहा है तो चांसेस ये हैं कि वो रिट्रोफेरिंजियल स्पेस का पस है, लेकिन अगर आपको पस और एब्सेस मीडियन प्लेन में दिख रहा है सो चांसेस ये हैं कि दिस इज द कोल्ड एब्सेस फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। सो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट, ये तभी डिफरेंशिएट करोगे जब एनाटॉमी पता होगी। देखो डॉक्टर ऐसे ही नहीं बन जाते, ऐसे ही नहीं होता कि आपने सीटी स्कैन उठाया और बताना शुरू कर दिया कि ओह दिस लुक्स लाइक अ कोल्ड एब्सेस टू मी, दिस लुक्स लाइक एन एब्सेस इन द रिट्रोफेरिंजियल स्पेस टू मी, ये ऐसे ही नहीं पता लग जाता। एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके ये बातें आप पेशेंट के साथ डिस्कस सकेंगे
पेशेंट की केयर में आप अपना रोल प्ले कर सकेंगे. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट रिट्रोफेरेंस. समझ में आ गई बात? रिट्रोफेरेंजियल स्पेस छोटा सा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट. बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, कॉन्टेंट्स पता होने चाहिए, क्लिनिकल स्टफ पता होना चाहिए. अब बात करता हूँ लेटरल फेरेंजियल स्पेस की. लेटरल फेरेंजियल स्पेस कहाँ होता है? साइड ऑफ द फेरिंग्स में होगा. उसकी मीडियल बाउंड्री क्या होगी? फेरिंग्स. पोस्टेरोलेटरल बाउंड्री क्या होगी? पैरोटिड ग्लैंड. एंटेरोलेटरल बाउंड्री क्या होगी? मीडियल टेरिगोइड. पोस्टीरियर बाउंड्री क्या होगी? कैरोटिड शीट. अगेन ये सारी बातें समझ में आएंगी अगर डायग्राम देखोगे. सो जितना नीचे अभी पढ़ा है ना, वो ये डायग्राम को सामने रख के अगर पढ़ोगे तो बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी. बात कर रहे हैं अब हम लेटरल फेरिंजियल स्पेस की. लेटरल फेरिंजियल स्पेस ये जगह है जिसकी पोस्टीरियर बाउंड्री में कैरोटिड शीट है. देखो बात समझ में आती है ना. इसकी मीडियल बाउंड्री में यहाँ पे ये फेरिंग्स मौजूद है. प्रीट्रैकियल और प्रीट्रैकियल फेशिया होगा बेसिकली, और बकोफेरिंजियल फेशिया होगा. सो मीडियल साइड पे ये चीजें मौजूद हैं, पोस्टीरियर साइड पे ये चीजें मौजूद हैं, राइट? सो डायग्राम देखेंगे तो टेक्स्ट समझ में आएगा. मैं हर दफा ये कहता हूं. सो दिस इज द लेटरल फेरिंजियल स्पेस. ओके, इसके कंटेंट्स में क्या है? देयर ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एंड फाइब्रोफैटी टिश्यू. और अगेन देयर कैन बी पस कलेक्शन फ्रॉम नेबरिंग स्पेसेस, आल्सो टर्म्ड एज लुडविग्स एंजाइना. इसके बारे में पढ़ेंगे हम पैथोलॉजी में, तब ये रिकॉल करूंगा चीज के मैंने आपको किसी जमाने में किसी वीडियो में लेटरल फेरिंजियल स्पेस पढ़ाई थी. ओके, सो दैट्स बेसिकली इट. आज की वीडियो इतनी ही. दोनों इंपॉर्टेंट स्पेसेस हैं, रिट्रो फेरिंजियल स्पेस एंड लेटरल फेरिंजियल स्पेस. ये डायग्राम नहीं भूलनी इन दोनों स्पेसेस को याद रखने के लिए. जो रिट्रो फेरिंजियल स्पेस है वो फेरिंग्स के रिट्रो है, और जो लेटरल फेरिंजियल स्पेस है वो फेरिंग्स के लेटरल है. विद दिस आई फिनिश दिस वीडियो हियर, और फिर आपसे बात होगी अब अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.